इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आर्मी चैनल में। तो दोस्तों, बात करते हैं इंडियन आर्मी रैली के दिन आप क्या क्या गलतियां ना करो जिससे कि आप इंडियन आर्मी की रैली को फाइट कर सको। अगर आप ये गलतियां करोगे दोस्तों, तो आप भले कितनी तैयारी कर लो, इंडियन आर्मी रैली को फाइट नहीं कर पाओगे। लेकिन आज आप क्या क्या गलतियां नहीं करो ताकि इंडियन आर्मी की रैली को आप फाइट कर सको, रनिंग में पास हो सको, तो उसके लिए मैं प्रमुख सुझाव दूंगा। और छोटा भाई समझ गया, अगर आपने वो सुझाव मान लिए तो मैं कह रहा हूँ आप कामयाब हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद ने भी ये देखा है दोस्तों, और मेरे साथ भी ये हुआ है दोस्तों। और मैं खुद इंडियन आर्मी की रैली को फाइट कर चुका हूँ, मेडिकल फाइट कर चुका हूँ और पेपर की तैयारी में लगा हुआ हूँ दोस्तों। तो आप क्या क्या गलतियाँ ना करें दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे कि इंडियन आर्मी की रैली आपके शहर या आपके कस्बे से 200 से 250 किलोमीटर दूर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकता है आपके शहर में ही इंडियन आर्मी की रैली चल रही हो, तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट है। मगर मैं उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ जो मतलब जिनके कस्बे या शहर से इंडियन आर्मी की रैली लगभग 250 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर भी हो सकता है। इतने दूरी पे क्या होता है कि दोस्तों, आपको इंडियन आर्मी की रैली इतनी दूर होने से आपको क्या होता है कि आप जब किसी बस या किसी बाइक से सफ़र करके वहाँ पे जाते हो तो दोस्तों आपको थकान हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करें दोस्तों, जैसे कि आप इंडियन आर्मी की रैली में जाओ तो दोस्तों एक दिन पहले आप वहाँ पे चले जाओ दोस्तों, क्योंकि भारतीय सेना द्वारा वहाँ पे कैंप लगाए हुए होते हैं दोस्तों। भारतीय सेना बेकायदा व्यवस्था करती है कि वहाँ पे कैंप की व्यवस्था करती है, जिसमें आपको रैन बसेरा बनाया जाता है, जिसमें कि आपको आराम कर सको दोस्तों। तो आप नहीं जो भी, तो 10 से 15 घंटे पहले आप वहाँ पे चले जाओ दोस्तों, जिससे कि आपकी मांसपेशियों में अगर खिंचाव आ जाता है बस में बैठने से या बाइक्स में सफ़र करने से, तो वो खिंचाव दूर हो जाता है दोस्तों। तो आप वहाँ जाके रेस्ट करो दोस्तों। आप मतलब वहाँ जाने के बाद में इधर उधर की अफवाहों में नहीं पड़ो, वहाँ पे मतलब आप घूमो फिरो मत ज़्यादा दोस्तों। आप आराम से रैन बसेरा में जाओ, खाना वाना खाओ, उसके बाद रैन बसेरे में आराम करो दोस्तों, ताकि आप रिलैक्स होकर इंडियन आर्मी रैली में जाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे। तो ये तो रही वहाँ जाने के बाद। तो वहाँ जाने के बाद मैंने बहुत से दोस्तों को देखा है दोस्तों कि वो मतलब घूमते रहते हैं, इधर उधर शहर में घूमते रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फालतू बातें करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करो आप बिल्कुल दिमाग को शांत रखो, बिल्कुल शांति से आप आराम करो। उसके बाद में आप जैसे तीन चार बजे इंडियन आर्मी की रैली शुरू हो जाती है, तो आप आराम से 2:30 से 3 बजे उठ जाओ दोस्तों। उठने के बाद आप पानी वानी पियो, अच्छे से फ्रेश व्रेश हो दोस्तों। उसके बाद आप इंडियन आर्मी की जहाँ पे रैली चल रही है वहाँ पे पहुँचो दोस्तों। वहाँ पे पहुँचने के बाद बिल्कुल शांति से जाओ दोस्तों, अपने डॉक्यूमेंट सारे साथ में रखो, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखो दोस्तों, आप अगर आप एंड वक्त में डॉक्यूमेंट्स ढूंढोगे दोस्तों, तो आपका मानसिक दबाव बनेगा। अगर आपका मानसिक दबाव बनेगा तो आपको रनिंग में प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। इसलिए आप इन सब भी मानसिक दबाव से बचने के लिए आप क्या करोगे, पहले ही रेडी होके जाओ दोस्तों। तो उसके बाद जब आपको इंडियन आर्मी रैली में जब वहाँ पे अलग अलग बाड़े बनाए होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप पहले भी गए होंगे तो वहाँ पे अलग अलग बाड़े बनाए होते हैं, तो आप उन बाड़ों में बिल्कुल शांति से जाके बैठो दोस्तों, बिल्कुल अनुशासन से होकर बैठो। अगर आप अनुशासनहीनता करोगे तो आर्मी के जवान आपको पीटेंगे दोस्तों बेसिकली। तो आप मतलब वहाँ पे अनुशासन बना के रखो दोस्तों। उसके बाद आप अंदर जाओ, आराम से बाड़े में बैठो। उसके बाद क्या करोगे, जहाँ पे बाड़े से आपको उठाया जाता है दोस्तों, तो आप ये मकसद रखो कि आप मतलब पहली लाइन में जहाँ से दौड़ शुरू होती है उसमें पहली पंक्ति में बोलने के लिए आगे रहो दोस्तों। तो पहली पंक्ति में बैठने की कोशिश करो, क्योंकि आप पहली पंक्ति में बैठोगे तो आपको दौड़ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। और अलर्ट रहो दोस्तों, अगर आप में अलर्टनेस रहेगी तो आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि अगर आप में अलर्टनेस नहीं रहोगी तो आपको पीछे धक्का लग सकता है, आप गिर सकते हो दोस्तों। तो आप अलर्ट रहो, धक्कों को सहन करने की शक्ति बनाओ दोस्तों, क्योंकि आपका जो प्रथम राउंड होता है वो धक्का मुक्की का राउंड होता है, उसमें जो बंदा अलर्ट रहता है वही कामयाब होता है दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो है दोस्तों, अगर आपको पसंद आए ये चैनल तो सब्सक्राइबर करना, क्योंकि मैंने आपके भविष्य के लिए ये चैनल बनाया है दोस्तों। मैंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है कि मतलब इंडियन आर्मी की रैली में किस गलतियों से बंदे रह जाते हैं, क्योंकि
वो अगर आगे भेट भी जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अलर्ट नहीं रहते, तो इस वजह से वो गिर जाते हैं, पीछे से धक्का मुक्की में पड़ जाते हैं, तो उनकी रैली रनिंग फाइट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप अलर्ट रहो, अपने अंदर विश्वास रखो कि मैं दौड़ कर सकता हूँ, तो आप कर जाओगे। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपने विश्वास खो दिया तो आप कुछ नहीं करोगे। दोस्तों कामयाब होने के लिए हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि भगवान हिम्मत वालों का साथ देता है। जिसमें हिम्मत नहीं होती उसका साथ कोई नहीं देता, उसका साथ भगवान भी नहीं देता। भगवान का साथ लेने के लिए आप क्या करोगे, हिम्मत रखो अपने अंदर, क्योंकि हिम्मत ये मर्दा तो मददे खुदा, ये बार बार बोलो अपने अंदर कि मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप कर जाओगे। आप अगर नहीं भी हो आपसे, तो आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर जाऊँगा। आप अगर यहाँ पे 5:40 भी रनिंग निकाल रहे हो दोस्तों, तो आप ये सोचो कि मैं 5:20 में रनिंग निकाल लूँगा, तो जी जान लास्ट के राउंड में लगा दो। दोस्तों जब वो लास्ट का राउंड होता है, वही आपकी ज़िंदगी में यह डिसाइड करता है कि आप इंडियन आर्मी में भविष्य बनाओगे या वहाँ से बाहर हो जाओगे। क्योंकि वहाँ पे आपको प्रमुख चीज़ ये होती है कि हौसला। अगर आपकी प्रैक्टिस कम है फिर भी अगर आपके अंदर हौसला है, तो आप इंडियन आर्मी की रैली में दौड़ निकाल दोगे। दोस्तों ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने भी निकाली है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, कोई गलती हुई तो क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़ें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो में आपके लिए लाता रहूं और आपके बेनिफिट्स मिलते रहें। जय जवान, जय किसान। दोस्तों भारत माता की जय।